हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके साथ साउथ इंडियन चटनी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। मैंने चटनी बनाने के लिए ये एक कटोरी भुनी हुई चना की दाल ली है। इसको साउथ में पुटानी बोलते हैं। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और ये मैंने सूखा नारियल लिया है, थोड़ा सा, 1 से 2 चम्मच होगा। और ये 3 से 4 हरी मिर्ची है और ये 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। तो चलिए दोस्तों इन सबको पीस लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर जार लिया है। अब इसमें हम अपनी ये सारी चीज़ें डाल के पीस लेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग साल्ट। अब मैंने ये लिया है नमक वाली कटोरी में ही 1/2 चम्मच जीरा। तो दोस्तों इसमें मैं 1/2 नींबू का रस भी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। इसको अच्छे से निचोड़ देंगे इसमें। इन सबको मिक्सर ग्राइंडर में एकदम महीन सा पीस लेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, चटनी मेरी बिल्कुल पीस के तैयार हो चुकी है। अब इसका हम एक छोटा सा तड़का बना लेंगे। 2 चम्मच तेल मैंने पैन में डाल दिया है। तो दोस्तों देखिए, चटनी में तड़का लगाने के लिए मैंने ये पैन में 1 से 2 चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसको हल्का सा गर्म हो जाने देते हैं। अभी जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच सरसों के दाने। सरसों के दाने जैसे ही चटकने लगेंगे, वैसे हम ही डालेंगे 2 लाल मिर्ची। हल्का सा इसको पका लेते हैं। ये देखिए, तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम लगा लेते हैं अपनी चटनी में। अब इस तड़के को डाल देंगे हम अपनी चटनी के ऊपर। चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी वीडियो, चटनी की रेसिपी वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।